सब्सक्राइब करें द फॉरेंसिक टेक चैनल को और एथिकल हैकिंग की वीडियोस को मिस ना करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार, आप देख रहे हैं फॉरेंसिक टेक यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं अमित कुमार और आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं, जहां पे हम एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड कंटेंट लाते रहते हैं। तो आज की वीडियो में क्या बताने वाला हूं, उन सबको सुन लीजिएगा एकदम। पहले से मैं बताता हूँ, इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आज की वीडियो में क्या होने वाला है। तो आज की वीडियो में होने वाला है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक के बारे में, यानी कि XSS अटैक के बारे में। इस अटैक के बारे में आपको बताऊंगा, ये अटैक कैसे परफॉर्म होता है, बब सूट का कैसे यूज़ होता है, बब सूट प्रो डाउनलोड कैसे करें, ये सब मैं बताऊंगा आपको लेटेस्ट, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो आपकी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। कोई भी रिपोर्ट करनी है, या फिर अगर आप बग बाउंटी स्टार्ट करना चाहते हैं और आप क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग सीख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम टॉप होने वाली है। क्योंकि यहाँ अगर आपने सीख लिया, दो लैब हैं, आराम से सॉल्व करके बताऊंगा। क्योंकि अगर मैं किसी लाइव वेबसाइट पे करूंगा, तो YouTube ने मेरा पिछला चैनल इसी वजह से डिलीट कर दिया था, इस वजह से मैं किसी लाइव वेबसाइट पे प्रैक्टिकल नहीं करने वाला हूं, ये आप समझ लीजिएगा। मैं आपको दो लैब सॉल्व करके बताऊंगा, और एकदम वैसे ही अटैक होता है हर वेबसाइट पे, और मैं ये बताऊंगा कि आप कैसे उसको ढूंढ सकते हो। तो बिना किसी देरी के, मैंने बहुत ज़्यादा ही बोल दिया है, पर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। एंड यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, और हम जो लैब सॉल्व करेंगे वो होगी पोर्ट सीगर की लैब। मैं आपको एकदम इजी मेथड से समझाऊंगा कि भाई कैसे करना है, आपको पोर्ट सीगर के बारे में कैसे करना है। तो पोर्ट सीगर लिख दीजिएगा, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, लॉग इन कर लीजिएगा अपना अकाउंट, पासवर्ड सेव कर लीजिएगा, क्योंकि पासवर्ड आप खुद से बना नहीं सकते हो, और जो पासवर्ड होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो इस वजह से कह रहा हूँ पासवर्ड सेव करने के लिए। वरना जो एथिकल हैकर्स होते हैं वो, या फिर जो हैकर्स होते हैं वो कभी पासवर्ड सेव नहीं करते। तो डैशबोर्ड पे आ चुके हैं, वल्नरेबिलिटी लैब्स पे हमने क्लिक कर दिया है, और यहाँ पे हमारे सामने बहुत सारी लैब्स हैं, और इन सबको सॉल्व करेंगे और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का देखेंगे कैसे होता है। तो ये हमारे पास एक है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के दो लैब्स हैं, एक रिफ्लेक्टेड XSS इनटू HTML कंटेंट विद नथिंग एनकोड, मतलब कुछ भी एनकोड नहीं है, डायरेक्ट आप लैब में जाएं, अपना पेलोड डालें और सॉल्व लैब हो जाएगी, ठीक है। और ये है रिफ्लेक्टेड SS इनटू HTML कंटेंट विद मोस्ट टैग्स एंड एट्रिब्यूट्स ब्लॉक। बहुत सारी वेबसाइट में क्या होता है, कुछ भी एनकोडिंग नहीं होती है, और बहुत सारी वेबसाइट में ऐसा होता है कि कुछ टैग्स होते हैं वो एकदम ब्लॉक कर दिए जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्टेड से, और इस लैब को सॉल्व करते हैं। मैं अपना बब स्वीट प्रोफेशनल ओपन कर लेता हूँ, और मैं बताऊँगा कि कैसे आप बब स्वीट प्रोफेशनल डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारा बब स्वीट प्रोफेशनल सेटअप स्टार्ट होने वाला है, थोड़ी सी देरी में स्टार्ट हो जाएगा, और आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि आपको बब स्वीट प्रोफेशनल मिल जाएगा। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो कंपनी वाले क्या करते हैं, नहीं देते हैं, वो बोलते हैं कि भैया क्रैक वर्जन यूज़ कर लो, या फिर आप खुद खरीद लो। तो इससे अच्छा है कि आप यहां से डाउनलोड कर लेना, मैं आपको बता दूंगा कैसे, लास्ट में बताऊंगा, पर वीडियो को देख लीजिएगा, आप क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग सीख जाएंगे। तो अब हमारे पास बब स्वीट आ चुका है, और ये हमारी लैब है, ठीक है। इस लैब को हम एक्सेस कर लेते हैं, एंड इसमें देखेंगे क्या क्या हमारे सामने आती हैं चीज़ें। उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं, अगर आपने मेरी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, तो यार उसे प्लीज़ देख लेना। और बहुत सारे इस चैनल पे एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट भरा पड़ा है, तो उसको देख लोगे तो आपको एथिकल हैकिंग कम से कम 20-30% तो आ ही जाएगी, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कमेंट कर लेना, मुझसे पूछ लेना। ये मैं ब्राउज़र क्यों ओपन कर रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता था, ठीक है। तो हम क्या ओपन करने वाले थे, एक टेक्स्ट एडिटर ओपन करने वाले हैं, और मैं आपको एक बताऊंगा कि पेलोड कैसे आप इसमें इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब बना सकते हैं। ये पेलोड आपको हमेशा याद रखना है, स्क्रिप्ट का ये पेलोड हर जगह काम आएगा, ठीक है। अलर्ट मैसेज क्या शो हो, 1 हो, और इसमें हम इसको कर देते हैं स्क्रिप्ट को बंद, ठीक है। तो ये पेलोड आपको हमेशा याद रखना है, स्क्रिप्ट
अलर्ट वन और स्क्रिप्ट का टैग जो है वो बंद कर देना, बस इतना ही करना है। इसको क्या करना है, सेलेक्ट ऑल करना है और कॉपी कर लेना है आपको सिंपल से। और आपका जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट है मान लीजिए, इस वेबसाइट पे कोई इनपुट डालने की जगह ढूंढनी है, जैसे कि ये देखिए सर्च बार है इनपुट डालने के लिए, या फिर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो वो कमेंट कर सकते हैं। यहाँ आपको क्या करना है, इस इनपुट बार में आपको ये मतलब जो हमारा टैग है स्क्रिप्ट है जावास्क्रिप्ट, उसे पेस्ट कर देना है। ये जो जावास्क्रिप्ट है ये बेसिक लेवल की होती है, हर वेबसाइट पे काम नहीं करती है, पर ये जो होती है अगर आपकी वेबसाइट क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से वर्नेबल है तो ये चल जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिक कमांड, कभी कभार ये चलती नहीं है क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट ये टैग बंद कर देती है, ये ब्लॉक कर देती है ये टैग, तो ये टैग नहीं चल पाएगा। अगर इसमें तो कोई टैग इनकोड ही नहीं है तो ये चल जाएगा। यहाँ पे देखो मैं सर्च करता हूँ, एक पॉपअप शो कर देगा यहाँ पे आराम से, देखा वन का पॉपअप शो किया और लैब होगी आपकी सॉल्व, कॉन्ग्रेचुलेशन यू सॉल्व द लैब, आपने सॉल्व कर दिया। और अगर यही चीज़ आप अगर कुछ टैग्स बंद होते तो यहाँ पे ये जो आपका स्क्रिप्ट है इमेज सोर्स वन और इमेज क्या है टैग है, ये टैग ज़्यादातर ब्लॉक नहीं होता है। सोर्स क्या होता है आपका, एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसकी वैल्यू होती है, और ये इवेंट होते हैं, इवेंट में अगर ये चीज़ है तो ये चीज़ एग्जीक्यूट हो जाए, उसके लिए सर्च करेंगे तो आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे आपके सामने ऐसा पॉपअप शो हो गया। तो यहाँ पे देखिए आपका इमेज का आइकन आ चुका है इमेज जैसा, तो ये आपका एक वर्नेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया, छोटी सी स्क्रिप्ट है, इन सबको याद कर लेना, नहीं भी याद करोगे तो बहुत प्रैक्टिस करोगे तो याद हो ही जाएगी। तो समझ आ गया होगा आपको ये रिफ्लेक्टेड वाला, जिसमें आपका कोई भी टैग ब्लॉक नहीं होता है, एकदम सिंपल होती है। अब ये आती है रिफ्लेक्टेड एसएस इनटू एचटीएमएल विद मोस्ट टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स एट्रीब्यूट्स ब्लॉक्ड, इसमें ब्लॉक कर दिए जाते हैं कुछ टैग्स और कुछ एट्रीब्यूट्स ब्लॉक किए जाते हैं। तो अब उसको कैसे सॉल्व किया जाए वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो लैब को एक्सेस कर रहे हैं और ये लैब टाइम ले रही है, ये हमेशा ही टाइम लेती है ज़्यादातर। एक्सेस लैब करते हैं हम, ओके, और ये फिर से ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ पे हमारे को एक और पैरामीटर टाइप कुछ हमें इनपुट टाइप के लिए है, आप इसमें अपना इनपुट दे सकते हैं, सोर्स जो भी आप अपना स्क्रिप्ट डालना चाहते हैं। ये स्क्रिप्ट आपने डाली, ये स्क्रिप्ट ब्लॉक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है टैग्स इज नॉट अलाउ, ये टैग अलाउ नहीं है यहाँ पे। तो चलिए हम इमेज वाला टैग देख लेते हैं, इमेज का टैग क्या होता है, इमेज से टैग से क्या कर लेंगे हम, और इसको सर्च करके देखते हैं क्या ये हो सकता है। यहाँ देखिए इमेज टैग भी अलाउ नहीं है। अब आपको क्या करना है, ब्रूट फोर्स मारना है, ब्रूट फोर्स कि कौन सा टैग यहाँ पे होगा। आप एक एक करके करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, एक एक करके कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बर्ब सूट कहा था कि बर्ब सूट आप ले लेना, मैं आपको दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। तो हमारा इंटरसेप्ट ऑन है, ये सब ऑन है, हम करेंगे प्रॉक्सी को भी ऑन। बर्ब सूट चलाना नहीं आता है तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको जाके चेक कर लेना प्लीज़। और बग बाउंटी स्टार्ट कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए एकदम वरदान होने वाली है। तो देखिए हमने प्रॉक्सी ओपन कर लिया, यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं, XSS अटैक लिख देते हैं, ये हमारा है, इसको हम सर्च करते हैं। अब ये जो चीज़ है हमारी आएगी बर्ब सूट की प्रॉक्सी, मतलब बर्ब सूट के अंदर, वो देखिए हमने सर्च बार में क्या डाला था, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग लिखा था सर्च बार में, ये आपको दिख रहा है, यही जगह है जहाँ पे आप पेलोड अपना डाल सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको करना है कंट्रोल आई, कंट्रोल आई करोगे तो इंट्रूडर में पहुँच जाएगा, या फिर नहीं करना चाहते हो तो सेंड टू इंट्रूडर कर देना राइट क्लिक करके, तब भी वो इंट्रूडर में पहुँच जाएगा। इंटरसेप्ट को करना ऑफ, क्योंकि इंटरसेप्ट ऑन रहेगा तो थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब चलेगी नहीं वेबसाइट, काम नहीं करेगी। यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें सेलेक्टेड हैं, यहाँ पे ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग भी सेलेक्ट है, ये आपका पेलोड का दिखा रहा है कि आप क्या क्या जगह अपना पेलोड डाल सकते हो। तो आप कुकीज़ में तो नहीं डाल सकते हो, इसको क्लियर कर देना। और ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, इसको थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा हमें, एडिट करना मतलब इसको कट कर देना, एक ब्रैकेट्स ओपन करना और ब्रैकेट ओपन करके क्लोज करना, इसके अंदर कुछ ऐड करना, आप मतलब $2 का साइन लगाना, यहाँ पे देख रहे राइट क्लिक ऐड लिखा हुआ है, दो बार क्लिक करना था $2 का साइन, एक बार क्लिक करोगे पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, दो बार डालोगे तो सिर्फ वही जगह सेलेक्ट होगी, इतना याद रख लेना। अब आपको पेलोड डालना है, मतलब ब्रूट फोर्स करना है, क्या चीज़ करनी है मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे सर्च करना है, एक मिनट मैं इसको बब की प्रॉक्सी को बंद कर देता हूँ क्योंकि अभी हमारे किसी काम की नहीं है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का
चीट शीट डाउनलोड करनी है, मतलब डाउनलोड नहीं करनी है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की एक चीट शीट है जो पोर्ट स्विगर की ही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको टैग्स मिलेंगे, यहाँ पे बहुत सारे टैग्स हैं, कस्टम्स है, टैग्स है, एट्रीब्यूट्स हैं, यहाँ पे इवेंट्स हैं, तो ये देखिए बहुत सारे टैग्स हैं, आपके बॉडी टैग है, कलर टैग है, DDR टैग है, एम्बेडेड टैग है, फुटर टैग है, इनपुट टैग है, बहुत सारे। यहाँ पे ऊपर लिखा होगा कॉपी टैग, इस टैग को कॉपी करना, क्योंकि आपको जब आप पेलोड बनाओगे तो सबसे पहले आपको टैग्स ही डिफाइन, मतलब टैग्स आपके ब्लॉक हैं, तो यहाँ पे इस चीज़ को टैग्स आपको हटाने के लिए टैग्स यहाँ पे बहुत सारे टैग्स डालने पड़ेंगे, अपने हिसाब से डाल देना, और ये कॉपी करके पेस्ट करोगे तो बहुत सारे टैग आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सीधा स्टार्ट अटैक पे क्लिक कर देना। स्टार्ट अटैक करोगे तो देखो सबसे पहला जो 0 डिजिट में होता है सक्सेसफुल होता है हमेशा, क्योंकि ये एक जो पहला पैरामीटर होता है वो हमेशा आपका खाली रहता है, ब्लैंक रहता है, उसके बाद से आपका पेलोड स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आप ढूंढोगे तो 400 है, हमें 400 चाहिए नहीं 200 का चाहिए, तो फिल्टर पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको 4 करना है, 4 को अनसेलेक्ट करना एंड सिंपल से उसको हटा देना। यहाँ पे देखिए आपके सामने 2 टैग्स आ जाएंगे, एक बॉडी टैग है, कस्टम टैग है, तो बॉडी टैग को यूज़ कर सकते हो और कस्टम टैग को भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ पे बॉडी टैग को यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको देखना है, तो मैं यहाँ पे बॉडी टैग लगा देता हूँ। अब बॉडी टैग लगा दिया, अब स्पेस दिया हमने, स्पेस का मतलब होता है हमेशा, क्या होता है इसका स्पेस का मतलब, %20। जब URL एनकोडिंग करते हैं तब स्पेस का मतलब %20 होता है। इसके बाद आपका क्या आना चाहिए, आपका इवेंट आना चाहिए, आप किस इवेंट पे करना चाहते हैं, तो उस इवेंट को आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद आपको क्या मैसेज देना है, इक्वल टू अलर्ट देना है हमें मैसेज, ठीक है, अलर्ट दे देना है, क्या 1 दे देना है अलर्ट, या फिर आप दे सकते हो कुछ भी दे सकते हो, अलर्ट में आप कुछ भी दे सकते हो, सब्सक्राइब लिख दो, SUBSCRIBE, ओके, ठीक है, तब सब्सक्राइब लिख दीजिएगा, ठीक है, और टैग को बंद कीजिएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ आपको ये चीज़ ऐड करनी है, तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी। आप इस तरीके से अपने खुद के टैग्स बना सकते हो, ओके। यहाँ पे हम आ गए हैं दोबारा से पेलोड पे, इसको हम क्लियर कर लेते हैं, और इसकी जगह हमने बॉडी टैग तो लिखा ही था, बॉडी टैग लिख दिया है, और इसको हम बंद कर लेते हैं सिंपल से। तो यहाँ देखिए हमारा आ चुका है, पर ये अभी सेलेक्ट नहीं हुआ है क्योंकि हमें ऐड करना ज़रूरी है। ऐड पे क्लिक करेंगे 2 बार, और अगर एक सिंगल बार करते हो तो पूरा सेलेक्ट हो जाता है, 2 बार करोगे तो सिर्फ वही चीज़ सेलेक्ट होगी, याद रखना, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। पेलोड आपको क्या डालना, अब ये पेलोड तो डाल नहीं सकता, आप क्लियर कर दीजिएगा, सारा क्लियर हो गया है। आप अपनी वेबसाइट पे जाइएगा और यहाँ पे देखिए कॉपी इवेंट, इवेंट कॉपी करने के लिए कहा गया है, तो इवेंट को पे कॉपी कर लीजिएगा। इवेंट में बहुत सारे ऑन एक्टिव, ऑन एरर, ऑन रिसाइज, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ये मतलब पूरा कॉपी कर लोगे तब खुद से बना सकते हो यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे पेस्ट करना, वो सारे इवेंट्स यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे। आपको क्या करना, स्टार्ट अटैक पे क्लिक करना है और अटैक स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला अटैक मैं इसको कट कर देता हूँ क्योंकि ये हमारे किसी काम का नहीं है। अब यहाँ पे भी सिर्फ 44 ही है, 4040 वाला ही है, तो हम 400 को हटा देते हैं। रिक्वेस्ट एरर जो होता है सक्सेसफुल के लिए 200 होता है, तो उसको करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कितने आते हैं। तो आपको पता होगा पहला हमेशा सक्सेसफुल होता है क्योंकि वो खुद ट्राई करता है बिना किसी टैग के, ओके। उसके बाद पेलोड डालता है ये, तो अभी हम इसको देख लेते हैं, आपकी मर्जी है, चाहे हटाना चाहते हो हटा देना, नहीं हटाना चाहते हो मत हटाना। मैं ज़्यादातर इनको देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ कि भैया कौन कौन से टैग्स नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो इस टैग से आप देख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो भैया यहाँ पे हम इसको दोबारा से हटा देते हैं और इसको कर देते हैं, तो हमारे सामने आता है ऑन रिसाइज, ठीक है। तो ऑन रिसाइज को हमें कॉपी करना है क्योंकि ऑन रिसाइज 20 20 20 स्टेटस दे रहा है, मतलब कि सक्सेसफुल हो रहा है। तो हम ऑन रिसाइज को क्लिक करेंगे और अपना पेलोड बनाएंगे। तो हमने जो नोट पैड में लिखा था, ये हमने डॉलर का साइन लगाया था, इस डॉलर के साइन की जगह हम क्या लिखेंगे, ऑन रिसाइज, ऑन रिसाइज, ठीक है। ऑन रिसाइज हमने लिख दिया, इसको हम करते हैं कॉपी, राइट क्लिक करना, कॉपी मतलब कंट्रोल सी करना, कॉपी हो जाएगा, या फिर राइट क्लिक करके भी आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो।
इतनी छोटी चीज़ें हैं, नॉर्मल है, कोई ज़्यादा बड़े चीज़ नहीं है। आपको वेबसाइट पे आना है, आपको आपको मिल चुका है कि आपका पूरा टैग्स मतलब जो भी आपकी स्क्रिप्ट है वो क्या है। अब आपको इसको करना है कॉपी और यहाँ पे लिखना है। अब आप देखो, अब ये जो हमने परसेंटेज 20 डाला है वो हटा देंगे क्योंकि URL एनकोडिंग में वो काम नहीं करेगा। यहाँ पे आप URL में डालेंगे वो चीज़ तो वो चल जाएगी, पर अगर आप सक्सेसफुल यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे आपको हटाना पड़ेगा। यहाँ पे डाल सकते हो सर्च की जगह, चल जाएगा। यहाँ पे अगर आपको डालना है तो आपको वो परसेंटेज 20 हटाना पड़ेगा। ठीक है, हम इसको करते हैं, रिसाइज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, सर्च करते हैं। तो देखिए हो चुका है, अभी आपके सामने पॉपअप नहीं आया। अब इवेंट क्या था, इवेंट ये था कि आपको रिसाइज करना है, आपको पूरा मोज़िला फायरफॉक्स रिसाइज करोगे तो एक पॉपअप शो हो जाएगा। आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। तो मैं इसको पेस्ट करता हूँ और बॉडी टैग ठीक है, अलर्ट ऑन रिसाइज, ओके ओके सब सही है। ठीक है, तो ऑन रिसाइज कर दिया है हमने, सब्सक्राइब लिख दिया है। सर्च करते हैं और यहाँ पे ये हो चुका है। इसको मैं मिनिमाइज करके देखता हूँ, कुछ आया पॉपअप? नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं आया, पर देखना पड़ेगा। रिसाइज अलर्ट ठीक है, सब्सक्राइब देखते हैं, तो ये आ नहीं रहा है। हम देख लेते हैं क्यों नहीं आ रहा है। कर दिया हमने इसको, अब इसको बड़ा करके देखते हैं। पॉपअप अभी भी शो नहीं कर रहा है, यानी कि आप कुछ और डाल सकते हैं ऑन रिसाइज। आपको ये मतलब हमेशा याद रखना है कि जो आपने लिखा है वो हमेशा अलर्ट वन डाल के देखते हैं, क्या पता ये चल जाए। ओके, तो हमने शायद बब सीट में भी अलर्ट वन डाला था तब चल गया था, तो ये अलर्ट वन पर चल गया है। आप कुछ भी डाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं चलेगा, आप ट्राई कर सकते हैं, 1-to-1 कुछ भी ट्राई कर लीजिएगा। वैसे हमेशा मैं अगर किसी लाइव वेबसाइट पे करता हूँ तो मुझे पता रहता है कि हाँ क्या क्या करना है, और जैसे कि आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या करना है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दो चीज़ें बच गई हैं, कैसे फाइंड करें किसी वेबसाइट में कि एक्सेस एस की वल्नरेबिलिटी है कि नहीं है, और दूसरा बब सीट कैसे डाउनलोड करें। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको अभी बताऊँगा इसी वक्त। तो इसको एक्सप्लॉइट कर लेते हैं हम, मतलब हमारा, आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको एक फ्रेम में डालूंगा, आई फ्रेम में कर सकते हैं जो क्लिक जैकिंग में आता है। अभी इसको सॉल्व नहीं करूंगा, इसको बाद में करूंगा कभी जब टाइम मिलेगा। तो इसको मैं सबको कट कर देता हूं। अब मैं हैकर वन ओपन कर लेता हूं, क्योंकि हैकर वन पे ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी वेबसाइट को टेस्ट किया जाए कि वो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से वर्नेबल है कि नहीं है। थोड़ा सा टाइम दो, हैकर वन अपना स्टार्ट कर देगा। बब सूट को कर देते हैं बंद, क्योंकि भैया इसने हमारा काम कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद इसका। तो कभी भी किसी भी चीज़ का यूज़ करें और उससे यूज़ हो तो हमेशा उसको थैंक्स ज़रूर करें, क्योंकि वही आपके लिए बहुत कुछ हो जाता है। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टरी में देखा है, यहाँ पे एक वेबसाइट देख लेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि भैया क्या वेबसाइट पे कैसे देखा जाता है, और ये अगर आपको बग मिलता है तो आप इसको रिपोर्ट करना, आपको ज़रूर बाउंटी मिल जाएगी। बाउंटी मिलेगी तो यार मुझे भी खुशी होगी कि आप लोगों को मेरी वजह से बाउंटी मिली है। ठीक है, तो पैसे मिल जाएगा और क्या चाहिए यार। एक यूट्यूबर कभी ऐसा, यूट्यूबर क्या करते हैं, ज़्यादातर यूट्यूबर की लोगों से पैसे ले लेते हैं, या फिर कुछ यूट्यूबर्स होते हैं अच्छे होते हैं जो पैसे नहीं लेते हैं, पर बहुत कम यूट्यूबर्स होते हैं जो अपने ही सब्सक्राइबर्स को कमाने का मौका देते हैं। तो मैं आपको कमाने का मौका दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए डोमेन है, डोमेन को दो डोमेन है हमारे पास, मान लीजिए तीन है यहाँ पे, तो हम दो ही डोमेन को ओपन करते हैं। ओके, ये हमारा हो गया, और इस दूसरे को भी ओपन कर लेते हैं, दूसरा डोमेन था। तो इस पर टेस्ट करेंगे हम, देखते हैं टेस्ट। ये जो हमारी URL है, इस URL को कॉपी करते हैं, drugs.com। तो थोड़ा अजीब सा ही नाम है इसका, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और छोड़ो इसको, रहने दो, दूसरी टैब खोल लेता हूँ। इतना टाइम क्यों लगाना, दो जगह मैं आपको दिखा देता हूँ रिजल्ट्स, वर्टिकल कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैं कमांड डालूंगा निक्टो की, निक्टो से क्या कर सकते हैं, वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। निक्टो -, होस्ट, उसके बाद आप पेस्ट कर दीजिएगा अपना URL।
तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने आ गया है एंटी क्लिक जैकिंग अटैक। क्लिक जैकिंग आप अटैक मार सकते हैं अगर आपकी ये क्लिक जैकिंग सपोर्ट मतलब क्लिक जैकिंग के पैसे देंगे तो अच्छा है, नहीं भी देंगे तो आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, अच्छी बात है। तो क्लिक जैकिंग अटैक कर सकते हैं, $100 इसका पक्का मिलता है आपको, $100 मतलब 7,000 रुपये मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। तो आप ऐसे पैसे कमा सकते हो। दूसरी वेबसाइट इसको खोल लेता हूँ, इसमें क्या पता क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग मिल जाए। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट पे ढूंढ सकते हैं। और थोड़ा सा और टाइम दो यार, मैं अबव सूट का ही बता देता हूँ कैसे करना है। इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, newsletter.drugs.com, ठीक है। तो इसको हम कॉपी करेंगे, URL को कॉपी किया हमने। अब यहाँ पे हम दूसरे टैब में डालते हैं nicto-host और URL को हम पेस्ट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्लिक जैकिंग अटैक है कि नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें मिल गई, देखो यहाँ पे लिखा है X-XSS मतलब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग प्रोटेक्शन हेडर इज नॉट डिफाइंड, मतलब यहाँ पे आप क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग मार सकते हो, आराम से मार सकते हो। पोर्ट सुगर के सारे लैब सॉल्व करना आपको समझ आ जाएगा कैसे करना है, सॉल्यूशन देख लेना, नहीं आता सॉल्यूशन देख लेना कोई दिक्कत नहीं, अभी तो बिगनर्स हो यार देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक्सपर्ट भी हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का मार देना अटैक और द साइट यूज SSL एंड एक्सपेक्ट सिटी हेडर इज नॉट प्रेजेंट, इस पर भी मार सकते हो आप, रिपोर्ट कर सकते हो। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का आपको मिनिमम $100 to $500 मिल जाते हैं, अब वो ऊपर आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। तो इन दोनों पे कर देना, मैंने आपको 10,000 की बाउंटी तक का मैंने आपको बता दिया है कि आप 10,000 की बाउंटी इस वीडियो से कमा सकते हो, कोई नहीं बताएगा मेरे हिसाब से, तो कोई नहीं बताएगा, लोग पहले ही रिपोर्ट कर देते हैं। मैंने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं करी, मैंने आपके सामने ही वेबसाइट खोली है, पहला ही लिंक खोला है जो था, ठीक है। अब बताता हूँ बब सूट कैसे डाउनलोड करना है। सबसे पहले जाना है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे और वहाँ पे एक लिंक मिलेगा गूगल ड्राइव का और वहाँ पे मैंने बब सूट पूरा प्रो वर्जन डाउनलोड करके इंस्टॉल अपलोड किया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपका अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद और घर में सेफ रहें, सुरक्षित रहें।